नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। देखिए, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, उसके बाद भव्य स्वागत किया गया और आपने मुंबई का क्राउड देखा होगा। फैंस ने दिल खोल कर टीम इंडिया का स्वागत किया, वेलकम किया और भरपूर प्यार दिया। अब देखिए, इसके बाद से BCCI ने प्राइज मनी का भी ऐलान कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर सारे प्लेयर्स को भी, कोचिंग स्टाफ को भी, जो बैकरूम स्टाफ थे उनको भी और जो रिजर्विंग प्लेयर थे उनको भी यहाँ पर प्राइज मनी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर उन प्लेयर्स को जिनको 5 करोड़ दी जाएंगे। तो ये जो जितने भी 15 सदस्यीय स्क्वाड में सदस्य थे उनके नाम जो है वो 5 करोड़ जो है वो प्राइज मनी रखी गई है। वहीं कोच जो राहुल द्रविड़ हेड कोच थे उनके नाम जो है वो 2.5 करोड़ जो प्राइज मनी है वो दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कोचिंग स्टाफ थे उनको भी 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बैकरूम स्टाफ थे उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी रिजर्विंग प्लेयर के तौर पर जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो शुभमन गिल हो या फिर रिंकू सिंह या फिर खलील अहमद, उनको 1 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे। तो ये लिस्ट है यहाँ पर जितने भी लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है उनके लिए प्राइज मनी BCCI की ओर से दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं वो कुछ प्लेयर्स जो है वो जिम्बाब्वे के साथ जो मैच चल रहा है, T20 सीरीज चल रही है, वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे का नाम शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ से जिम्बाब्वे टूर की बात करें तो वहाँ पर 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला मैच टीम इंडिया हार गई थी 13 रनों से, दूसरे मैच में कमबैक किया और गजब का कमबैक किया, तो जहां पर अभिषेक शर्मा की छुटके पारी देखने को मिली। साथ ही साथ गायकवाड़ भी वहां पर नजर आए, अच्छी टच में नजर आए, रिंकू सिंह तब फिनिशर के रोल में वो दिखे। लेकिन अब यहां पर जितने लोग भी जिम्बाब्वे के लिए ज्वाइन हुए वहां पर संजू सैमसन का नाम शामिल है, जायसवाल का नाम शामिल है और शिवम दुबे का नाम शामिल है। तो प्राइज मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है BCCI की तरफ से। वहीं अगर विराट रोहित की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ियों ने T20I से संन्यास का ऐलान कर दिया था, उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैच हम जीते थे, फाइनल मैच जीते थे, 29 जून को ऐलान कर दिया था। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने भी एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने भी T20I से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो तीनों खिलाड़ी जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे T20I मैचेस में। इसके अलावा जो कोच राहुल द्रविड़ है उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, यानी कि 29 जून के बाद से हमने देखा है कि अब नए जो हेड कोच है उनका ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो नजर आता है गौतम गंभीर का। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल तरीके से जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है गौतम गंभीर का। रोहित विराट की बात करें तो काफी टाइम से वो T20I खेल रहे हैं और करियर भी काफी शानदार रहा है। रोहित विराट इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से क्रिकेट खेला है, और रोहित की बात इसलिए हो रही है क्योंकि साल 2007 में जब T20 स्टार्ट हुआ था और भारत वो मैच जीता था, वो वर्ल्ड कप जीता था माही की कप्तानी में, वहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और बहुत सारे उन्होंने अपने करियर में उतार चढ़ाव भी देखे। और जब कप्तानी मिली तो साल 2022 में हम इंग्लैंड के साथ मैच था, सेमीफाइनल मैच, वहां से हार गए थे और दिल टूट गया था सभी फैंस का। 2023 में भी हम फाइनल तक पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, ODI वर्ल्ड कप आपको याद होगा। फिर वो सपना जो था वो सपना ही रह गया था, लेकिन फिर से टीम इंडिया ने कमबैक किया, वही अप्रोच वही माइंडसेट के साथ टीम इंडिया एक बार फिर से कमबैक किया और इस कमबैक का जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव नजर आया। और यहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो हम कहते हैं ना एरा T20I का, वो खत्म हुआ और अच्छे नोट पर खत्म हुआ। तो देखिए, टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर आप क्या कहेंगे और रोहिराज की जोड़ी को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।